मिलके आज हम यहाँ का विसर्जन किया। बहुत ही आनंदमय आज दिन है कि हम यही चाहते हैं श्री गणेश जी से कि वो सदा आशीर्वाद बनाए रखें, समस्त हमारे कठुआ वासियों पे पूरे विश्व में अपना आशीर्वाद बनाए रखें और शांति बनाए रखें और हर किस्म का हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें, क्योंकि गणपति की पूजा से ही आगे पूजा स्टार्ट होती है। गणपति जी रक्षा करें, इनके परिवार की रक्षा करें, इनकी रक्षा करें, हम सब की रक्षा करें, आप सब की रक्षा करें और सदा हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, हमारे बच्चों के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें और अगले साल फिर सुख शांति के साथ ये विसर्जन हम करें, फिर हम पूजा अर्चना करें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मनोकामना करता हूँ कि वो हमेशा सदा आशीर्वाद बनाए रखें। जय श्री गणेश, जय गणपति। आज गणेश विसर्जन का दिन था और हमारे कठुआ के गणपति जी के बहुत बड़े भक्त मैं कहूँगा, जो काफ़ी सालों से पिछले 15-20 सालों से लगातार अपने घर में गणपति जी को बिठा रहे हैं, उनकी आराधना उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये पूजा अर्चना जो है ये इनके अपने परिवार के साथ साथ पूरे कठुआ की पूरे देश के लिए शुभ मंगल की है कि सबके साथ शुभ मंगल हो, सबके घर में समृद्धि हो, रिद्धि सिद्धि हो, सबके घर में खुशियां प्राप्त हो। भगवान गणपति जी का जो आज विसर्जन हुआ है इसके पीछे विशेष है कि 10 दिन उनको बिठाया जाता है। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा जब महाभारत की रचना की गई थी तो उनको इसकी लेखनी के लिए भगवान गणेश जी के पास जाना पड़ा कि इसको लिखीबद्ध करना है, तो गणेश जी ने हामी भरी थी। 10 दिन लगातार वो महाभारत का जो लेखनी थी हुई थी
जिसके कारण भगवान गणेश जी के शरीर में ताप पड़ गया था और उनको मिट्टी का लेपन किया गया था, जिसकी वजह से आज ये प्रथा जो चली आई है 10 दिन इनको मिट्टी की मूर्ति बनाकर अपने घर में रखा जाता है। ये हमारे सुदर्शन भार्गव जी भाई जो मीडिया के क्षेत्र से इन्होंने बहुत ही मेहनती है और साथ में एक बहुत ही अच्छे इंसान होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे, ये गणेश जी के बहुत बड़े भक्त हैं। इनकी गणेश भक्ति के आगे हम भी नतमस्तक हैं कि इन्होंने पूरे कठुआ की मतलब रिद्धि सिद्धि के लिए, शुभ मंगल के लिए, उनकी रिद्धि सिद्धि के लिए गणेश जी से आराधना और पूजना की, इन्होंने विसर्जन किया है। इनके परिवार को, पूरे कठुआ को और पूरे जम्मू कश्मीर को और पूरे भारत को सुदर्शन भार्गव जी की ओर के और पूरे कठुआ की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं अनंत चतुर्दशी की और गणेश विसर्जन के इस मौके पर। जय श्री गणेश, ओम गण गण गणपते नमो नमः। आज हमने जो गणपति गणेश जी हैं पिछले 10 दिनों से घर में रखे थे, जिनकी हमने पूजा अर्चना करने के बाद आज उनको हमने ड्रीमलैंड पार्क के पास नहर में विसर्जन कर दिया है। और जितनी भी संगत जहाँ आई है, आप लोग आए हैं, सबका मेरे को बहुत साथ मिला है और आज उनका विसर्जन किया है। और गणपति से जो हमने यही दुआ की है, भगवान हमारे कठुआ को, हमारे शहर को, हमारे जिला को, हमारे जम्मू कश्मीर को और हमारे हिंदुस्तान में हमेशा सुख शांति रहे। जय श्री गणेश।